नमस्कार दोस्तों, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। YouTube पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छी तरीके से होंगे। राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, जिला अधिकारी हन्नामी दिनेश कुमार व पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार की उपस्थिति में जनपद में आज हो रही 18 वर्ष व उससे अधिक के कोविड-19 के वैक्सीनेशन के संबंध में जनपद में जिला चिकित्सालय व जिला सूचना अधिकारी कार्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। वहीं इस दौरान जनपद वासियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में अपराध व अपराधियों के रोकथाम पर अवैध शराब की बिक्री व मादक पदार्थों के क्रय विक्रय के अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मैरोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त के कब्जे से 45 सदस्यीय नाजायज पॉकेट बरामद किए गए। इस कार्रवाई में कोतवाल मनोज कुमार वर्मा व उनकी पूरी टीम शामिल रही। अब हम बात करते हैं किसानों के दर्द की, उस दर्द की जहाँ पर हम बता दें कि हमारा अन्नदाता परेशान है। किसान सहकारी केंद्र बोचेरा की बात करते हैं, जहाँ केंद्र प्रभारी की मनमानी की बात करते हैं, तो वहाँ पर केंद्र प्रभारी मौजूद ही नहीं रहते हैं और पल्लेदारों के भरोसे तुलाई कार्य चलता है। वहीं हम बता दें कि किसान कई दिनों से अपने गेहूं को खुले में डाले हुए हैं। वहीं मौसम बदल रहा है, मौसम के तेवर बदल रहे हैं, पानी भी गिर रहा है। ऐसे में किसान के दिलों पर क्या गुजर रही होगी, इसका आप खुद अंदाजा लगाइए। और केंद्र प्रभारी है कि इस जगह से गायब है। हमने किसानों के दर्द को खुद सुना और उनके दर्द को हम आपको सुनाएंगे और सुनाते हैं कि केंद्र प्रभारी किस तरह से हावी है और केंद्र प्रभारी की किस तरह से तमाशाई चलती है। जिस तरह से अगर टोकन के हिसाब से अगर यहाँ पे तुलाई हो तो किसानों को कोई इतराज नहीं है, पर जिस तरह से ओवर रेटिंग या जिस तरह से किसानों से वसूली की जाती है, जो सुविधा शुल्क ज्यादा दे देता है, ऐसा कहें कि जो सुविधा शुल्क ज्यादा दे देता है उसकी तुलाई पहले हो जाती है, ये कहीं ना कहीं जायज नहीं है। जिस तरह से किसान परेशान है और किसान खुद कैमरे के सामने आ रहे हैं और अपना दर्द बयान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है। इसमें हालांकि हम बता दें कि उप जिलाधिकारी क्या संज्ञान में लेते हैं, इसका हम इंतजार रहेगा। फिलहाल हम सुनवाते हैं उन किसानों का दर्द जिनको सुनकर शायद आप भी खुद सोचेंगे कि इनकी मेहनत की गाड़ी कमाई आज खुले में डली हुई है और केंद्र प्रभारी है कि तालबेट के चक्कर लगा रहे हैं और पल्लेदारों के भरोसे है कि पिसी तुल रही है। बताओ कब से नहीं तुली पिसी? हमारी 20 तारीख से नहीं तुली पिसी, इसकी डरी पानी में बीस फिर काकत करके हम किसा मुंह भर वाले मनमाई जी की तुल गई पैसा के देख ले रहे मनमानी कितने के ले रहे 50 रुपया जो जीते 100 रुपया जो कौन ले रहा है मनमानी को है फिर भारी दे चार दिन से का कह रहे और रिश्वत कितने के मांग रहे रिश्वत की अभी बात नहीं माने क्विंटल के क्या रुपया जो क्विंटल ले रहा है क्या रुपया 50 रुपया क्विंटल ले रहा है तो वालों हमारे सबसे पीछे तुरु नहीं होगा गारंटी बर्बाद हो जाए तुम्हारा आपकी डरी चार दिन की प्रभारी तो है नहीं है गोदाम चालू है तुलाई चालू है तेल पल्ले दान के भाव से तुम तुम्हारे प्रभारी है कितने गए कान के कितने गए कितने तालबेट और तोल को देख रहे थे